मरियम बेटा, ये वही है। कैसी हैं सिस्टर? जी मैं ठीक हूँ। जी बताएं क्या काम है आपको? आप रीना है ना? जी बोलें क्या काम है आपको? जी हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जरा बात जरा लंबी है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहली नजर में पहचान लिया। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए शायद शक्ल देखकर आपको ना याद आए, लेकिन जो बात मैं अब आपसे करने जा रही हूँ ना, उससे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बहुत साल पहले आप एक बच्ची को अस्पताल से थैले पे छोड़ आई थी। क्या कह रहे हैं आप? आपको गलत फहमी हुई है, मैं किसी बच्ची को अस्पताल से लेकर नहीं गई थी। देखिए आपकी बराए ना, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। मैं आपके पास दोबारा अस्पताल भी आया था, पर आपने मुझे इधर धमका के भगा भी दिया। बाबा अब बैठ जाए, अब बैठ जाए। ठीक है, देखें हम यहाँ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करने आए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तुम लोग हो कौन और ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? आंटी मैं ही वो बच्ची हूँ, मैं ने असली माँ बाप तक पहुंचना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरी मदद करें। अब तो आपने पहचान लिया आपका। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो ख्वाजा सरा था। होंगे, लेकिन जब से ये मेरी जिंदगी में आए ये मेरे बाबा हैं। आप जिस हॉस्पिटल में नर्स थी ना, और जहां मेरे वालिदैन ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, आज उसी हॉस्पिटल में मैं एक डॉक्टर हूं। ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से है। मैं अपने वालिदैन को ढूंढ रही हूँ। आप प्लीज मुझे बताएंगे कि मेरे वालिदैन ने मुझे क्यों कबूल करने से इनकार कर दिया? क्या हुआ था? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। अब बैठे। ठीक है, तुम्हारे वालिदैन नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाबा। तुम्हारी बेचारी माँ तो तुम्हारे जान बचाने की दुहाइयां देती रही, अपनी जान जोखों में डालकर। मेरी माँ कौन थी? मेरी माँ क्या क्या हुआ था? अब मुझे सब कुछ बता सकती हैं? मैं हमेशा की तरह अस्पताल में ड्यूटी पर थी। उस रात एक औरत डिलीवरी के लिए आई। वो मुझे तलाक दे देगा बच्चियों का बाप। उसे बेटियों से नफरत, खुदा के वास्ते एक बेटी पर एक बच्ची पर जाना, वो मार देगा उसे भी और मुझे भी।
बस मैं इतना ही जानती हूँ। उसके बाद उस औरत को मैंने कभी नहीं देखा। मुझे किसी ने कहा था कि उन्हें बच्ची चाहिए, लेकिन जब मैं तुम्हें उनके पास लेकर गई तो उन्होंने तुम्हें रखने से इनकार कर दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने तुम्हें उस धड़े पर छोड़ दिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। अपनी पैदाइश की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ बदनसीब पर कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे मरियम, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ना मेरी बच्ची, तुम्हारे नसीब तो बहुत अच्छे हैं। कितनी जिंदगियां बदल गया तुमने। बदनसीब तो वो है जिन्होंने तुम्हें रखने से इनकार कर दिया। ना मेरी बच्ची, ना ऐसा नहीं कहते। चल उस वक्त मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि मैंने गलत किया। काश मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती। हाँ, अलबत्ता मैं रिकॉर्ड रूम के पुराने रिकॉर्ड चेक करने में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। मैं अस्पताल आऊंगी। वालिदैन नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाबा। तुम्हारी बेचारी माँ तो तुम्हारी जान बचाने की दुहाइयां देती रही, अपनी जान जोखों में डालकर।